जंगल कौड़िया के खंड विकास अधिकारी और विस्तौली के ग्राम प्रधान के बीच हुए मामले में नया तूल पकड़ लिया है। जहां प्रधान के खिलाफ खंड विकास अधिकारी संघ ने धरना प्रदर्शन किया था, वहीं जंगल कौड़िया के प्रधान संघ के अध्यक्ष ने वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन सोमवार को जंगल कौड़िया प्रधान मंडल के सदस्यों ने जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन से मुलाकात कर खंड विकास अधिकारी के ऊपर प्रधान द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताते हुए घटना को निंदा की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे ग्राम प्रधान अजय सिंह ने कहा, कौड़िया ब्लॉक के प्रधान है, हम इसकी घटना की निंदा करते हैं और प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं कि अगर आज वो आरोप लगा रहे हैं कि वीडियो साहब घुसखोर है, पैसा मांग रहे थे, तो इस घटना गाली गुप्ता दिए, फोन पे जो भी अभद्रता किए उसके पहले वो आरोप लगाते तो बात और अब उनको एक इस तरह की घटना करने के बाद फिर दोबारा आप कह रहे हैं कि तो इसी आप इस पर जांच करा के और इस कार्रवाई कराइए। हम लोग वीडियो साहब के साथ पूरा प्रधान जितने सब सब लोग हैं सभी एक सिक्के के पहलू है, सब लोग एक दूसरे से मिल के काम करेंगे तब ना होगा, से कोई काम होगा। और वीडियो साहब पे जो भी आरोप लगा है वो सर गलत सब निराधार है, सब गलत है। हम लोग उनके साथ काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, उनके साथ कार्य कर रहे हैं अपने ग्राम पंचायतों में, कभी ऐसा नहीं हुआ है सर। कौड़िया बीडीओ साहब के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसी के पक्ष में जंगल कौड़िया के सभी सम्मानित प्रधानगण मिलने आए थे माननीय जिलाधिकारी महोदय से, और सभी लोग मिल के बीडीओ साहब के पक्ष में बात रखे हैं कि बीडीओ साहब के ऊपर जो आरोप लगाया गया है उस घटना के पहले लगाया जाता तो फिर बात समझ में आती, अब घटना वो अभद्रता करने के बाद आरोप लगा रहे हैं तो ये गलत है, निराधार है। और सभी प्रधान सम्मानित प्रधानगण बीडीओ साहब के साथ हैं और उनके साथ मिलजुल के काम, परिवार की तरह से मिलकर काम करेंगे। जो वो जंगल कौड़िया के जो प्रधान संघ के अध्यक्ष थे वो फर्जी हैं, हम सभी लोग प्रदेश के प्रधान संघ के अध्यक्ष की का बयान जारी करवा रहे हैं और उसकी निंदा करवा रहे हैं।